हेलो स्टूडेंट, ये मेरा थर्ड वीडियो है ऑन द टॉपिक इफ जीरोस आर गिवन देन वी हैव टू फाइंड अदर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। मेरा तीसरा वीडियो है इस टॉपिक पे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को जीरोस गिवन है तो उसके रिमेनिंग जीरोस दिखाइए, निकाल के बताइए। तो ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने पहले दो वीडियो देख रखे, नहीं देख रखे तो उसको मस्ट वॉच है, तो आपको क्योंकि उसमें लेक्चर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, अब तो सॉल्व करके बताऊंगा ऑलमोस्ट। ओके, तो हमें एक पॉलीनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री है 4। तो मैं आगे थोड़े से थ्योरी डिस्कस कर लेता हूं। जितनी डिग्री का पॉलीनोमियल होता है उसके उतने फैक्टर्स होते हैं। डिग्री 4 का पॉलीनोमियल है तो 4 फैक्टर्स होंगे, 4 जीरोस होंगे। ओके, वन थिंग। सेकंड, मेरे को 2 जीरोस दे रखे और मेरे को इसके रिमेनिंग 2 जीरोस निकालने, तो कॉन्सेप्ट क्या था? जीरोस आर व्हाट? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलीनोमियल वैल्यू इज 0। तो दैट मींस इट कैन बी रिटन एज एक्स इक्वल टू -2a0 दे रखा है मेरे को एंड एक्स इक्वल टू -1a0 दे रखा है। अब जीरोस पे फैक्टर फॉर्म में नहीं आएंगे इधर करके, तो दिस इंप्लाइज दैट x plus 2 and x plus 1 आर फैक्टर्स। दो फैक्टर हो गए। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके बड़ा फैक्टर्स बना ले। पिछले वीडियोस में मेरी आइडेंटिटी लग गई थी a-b a+b, यहां पे ऐसा नहीं है। x plus 2 into x plus 1 आर फैक्टर्स, तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी नहीं लग सकती। एक आइडेंटिटी लग रही x plus a x plus b वाली, x square a plus b x plus a b। नहीं याद रहती तो बच्चों को बताओ, कोई बात नहीं बेटा, ब्रैकेट को, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आता है। यस, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे? टर्म वाइज, x into x x square, x into 1 x, 1 into x is 2x, sorry 2 into x is 2x and 2 into 1 is 2, तो x plus 2x that is x square plus 3x plus 2 r फैक्टर की जगह पर is फैक्टर, तो ये एक फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट, अब इस पॉली को इसके फैक्टर से डिवाइड करें तो जो आएगा वो भी एक फैक्टर होगा, और फैक्टर तभी होगा ये जब रिमाइंडर जीरो आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका डिवाइड करते हैं। टू एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस का 14x² माइनस का 19x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अगेन डिवाइड करेंगे, 2x4 चाहिए x स्क्वायर से, तो इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x4 की पावर 4 x स्क्वायर पावर 4 डिवाइड बाय पावर माइनस हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई करेंगे। That is 2x4, 6x3 and 4x2। Okay student, multiply में power add हो जाएगी, कोई issue नहीं होना चाहिए। So 2x4 plus 6x3 plus 4x2। Sign change करूं, plus का minus, सारे plus के टाइम में सबके sign change हो जाएंगे। माइनस का 5x3 माइनस 14 माइनस 4 माइनस 19x² माइनस का 19x माइनस 6 अगेन माइनस 5x3 एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 1 की जगह माइनस 5 चाहिए तो पहली बार माइनस 5, 8 पावर x की ज्यादा चाहिए तो माइनस 5x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो अपना रफ अर्थ अपना अपने पास है, हमें मालूम है रफ अर्थ में हम कैसे करते थे। डिविजन ऑफ पॉलीनोमियल में आपको बता रखा है, x की पावर 3 से x स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस का 5x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर 3x प्लस 2, ये बनेगा आपका माइनस का 5x3 माइनस का 15x² माइनस का 10x। ओके, माइनस का 5x3 माइनस का 15x² माइनस का 10x, साइन चेंज, माइनस का 3x² माइनस का एक्स, अरे प्लस का 10 और माइनस का 19, सॉरी माइनस का 9
एंड माइनस का 6। ओके स्टूडेंट, हम इसको किससे लेंगे, माइनस 3 से, है ना, माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी हमने इसको माइनस 5x से लिया, अब माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 9x और माइनस का 6, साइन चेंज तो रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो वाला ये शो करता है ये इसका फैक्टर, सॉरी इसका पॉली का, दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। और जब भी हम किसी चीज को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे आने वाला भी फैक्टर आएगा, तो ये भी फैक्टर होगा। तो हमारा स्टेटमेंट अब क्या होगा इसके बाद, दिस इंप्लाइज दैट, ये तो फैक्टर था ही और ये फैक्टर बना था इन दो फैक्टर्स से, इन दो जीरो से, तो हमें दो जीरो से बाकी दो जीरो निकाल दी, इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते, 3 2 जा 6 माइनस का केस है, और 3 और 2 के फैक्टर्स होंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के सेशन में हमने डिस्कस कर रखा है 3x सॉरी 6 और 5 माइनस का केस है, 2x स्क्वायर माइनस 3, 2 इंटू 3 6, 6 के दो फैक्टर होते हैं 6 और 1, 3 और 2 नहीं लेंगे क्योंकि अपने को माइनस करना, माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो माइनस करने पे 5 आना चाहिए, 3 और 2 प्लस करने पे 5 देते हैं, अपना केस है माइनस का, तो इट विल बी 6 और 1, 6 के दो फैक्टर 6 1 दैट इज 6x माइनस x ब्रैकेट खोल लेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 3, यहां से 2x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 3 1 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 3 कॉमन निकल गया, दैट इज 2x प्लस 1। दो फैक्टर थे तो r फैक्टर्स हो गए, दीज आर फैक्टर्स, फैक्टर्स हमने जीरोस बना ले तो इक्वल टू जीरोस, फोर जीरोस, फोर जीरोस, इसको हम जीरोस के बराबर लिख देंगे, फॉर जीरो दिस फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो 3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 3, 1 उधर जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो दो जीरोस पहले दिए थे, दो जीरो आप निकाल दिए, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखेगा, दस ऑल जीरोस आर, लिखे था यहां पे आंसर हमेशा स्टेटमेंट में देने के देंगे, आंसर कैसे देंगे, दस ऑल जीरोस आर माइनस 2 माइनस 1 और दो जीरो हमने निकाले 3 एंड माइनस आर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज का इसके बाद। अब आप कुछ आरडी में दो तीन क्वेश्चन और है, डिजिट चेंज हो के, नंबर चेंज हो के, उसको प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन मैं करा दूं उससे फायदा नहीं होगा, आप जितने आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे उतना आपको गेन होगा। ओके स्टूडेंट,